हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है मेरी रसोई में। तो ये मैंने कुछ मिर्चियाँ ली हुई हैं हरी, आज हम बनाएंगे इनका अचारी मिर्च। और इधर मैंने तीन प्याज ली हुई है मीडियम साइज की, इनको हम गोल गोल पीसों में कट कर लेंगे अच्छे से। इनका जो डंठल है उसको हटा देंगे। और ये देखिए, हमने गोल पीसों में कट कर ली है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो। और ये मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको भी हम कट कर लेंगे लंबा लंबा। और इधर मैंने मसाला लिया अजवाइन, राई, सौंफ, जीरा। और ये देखिए, मैंने सारा मसाला काट लिया। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। आज हम बनाएंगे अचारी मिर्ची, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और हफ्ते दो हफ्ते ही चल जाती है। ऐसे बना करके रखिए। हल्का नमक ऐड करेंगे, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर, सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से बढ़िया से चलाएंगे। थोड़ा सा डाल दिया आमचूर, अब बढ़िया तरीका से चलाएंगे इसको। दोस्तों ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और ये देखिए, हमारी अचारी मिर्ची बन करके तैयार हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है। और इधर मैंने आटा लगाया है मिक्सी रोटी बनाने के लिए। ये आटा है गेहूं का और बेसन मिक्स करके बनाया है। और ये इतनी बड़ी बड़ी लोइयां कर ली है मैंने, इसकी बनाएंगे हम मिक्सी रोटी। ये देखिए, इस तरीके से बेल लेंगे हम। पतला बेला है मैंने, आप अपने हिसाब से बेल सकते हो। और इसमें होल करेंगे चाकू से ताकि ये फूले ना। ये देखिए, हमारी रोटियां बेल करके तैयार हो चुकी हैं। उधर चढ़ाया है मैंने तवा, तवा भी गर्म हो गया है। अब डाल देंगे हम रोटी और इसको अच्छे से पचा लिया हमने, पलट देते हैं अब। ये देखिए कितनी सुंदर पची हुई है, ब्यूटीफुल। अब इसको धीरे धीरे सीकेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारी मिसी रोटी बन करके तैयार हो चुकी है, कितनी बढ़िया से की है। अब इसको हम लगा लेंगे परोसने के लिए। और ये मैंने छाछ ली है, ये रोटियां हमारी और ये अचारी मिर्ची। ये देखिए इस तरीके से हमने थाली को सजाया और इस पे रख दिया है देसी घी। एकदम देसी शुद्ध खाना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी बताएं।